दुलारा से वालों, सावन महीने में आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। यह खुशखबरी इसीलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि आपके जीवन में एक राजयोग के रूप में मिलने वाली है। जी हाँ, ग्रहों के राजकुमार जब भी ग्रहों के राजा के घर पहुँचते हैं तब बड़ी उथल पुथल होती है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव होते हैं तो अर्थव्यवस्था में सुधार होता है, तो लेन देन और निवेश भी बढ़ता है। साथ ही भारत की कुछ जगह में असंतोष की स्थिति पैदा होती है। सीमा से संबंधित मुश्किलें खड़ी होती है तो कुछ जगह उग्र आंदोलन या फिर प्रदर्शन भी होते है, और कोरोना महामारी जैसी बीमारियों का भी डर बना रहता है। विशेष रूप से सरकार के लिए तनाव वाले इसीलिए रहने वाले हैं क्योंकि सत्ता के लिए विपक्ष का संघर्ष बढ़ता जाएगा। किंतु इस सब के बावजूद भी तुला राशि वालों, बुध ग्रह का राशि परिवर्तन आपके लिए लाभदायी इसीलिए रहने वाला है क्योंकि वह अगले 18 दिनों तक सूर्य के साथ रहेंगे। जी हाँ, बुध ग्रह अगस्त महीने की 9 तारीख को ही रात 1:23 पर चंद्र के स्वामित्व वाली राशि कर्क राशि को छोड़कर सूर्य के स्वामित्व वाली राशि सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे, तो वही आपकी राशि कुंडली में बुध ग्रह भाग्य एवं विदेश भाव के लोड होकर लाभ आय भाव में स्थित है और उनकी पूर्ण दृष्टि विद्या भवन पर पड़ रही है, जिसके चलते आने वाले दिन आपके लिए न केवल महत्वपूर्ण रहेंगे किंतु तकदीर बदलने वाले है। तो जानते हैं बुध का राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन में कैसा रहेगा, कौन कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, कौन से अधूरे सपने सच होने जा रहे हैं। तुला राशि वालों, बुध का राशि परिवर्तन आपके 11वें भवन में हो रहा है, यानी कि आपके लाभ के भवन में, मनोकामना पूर्ति के भवन में, भाग्योदय के भवन में हो रहा है, अतः इसका प्रभाव आपकी राशि पर जबरदस्त तरीके से पड़ेगा। इस गोचर के दौरान यानी कि 9 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच में बुध के प्रभाव के चलते ही आप में से कई जातकों को अचानक से लाभ मिलेगा। नुकसान में कमी देखने को मिलेगी तो आर्थिक एवं सामाजिक विकास में भी सहायक रहेगा। विशेष रूप से उन जातकों को खुशखबरी प्राप्त होगी जो करियर के लिहाज से चिंतित नजर आ रहे हैं, उनको इस समय कार्य के लिए शुभ संकेत नजर आ रहे हैं। चाहे आप कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हो या फिर व्यवसाय से, इस समय निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा, धन की आवक मिलेगी। यहाँ तक एक समय आपको धन प्राप्त करने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत नहीं रहेगी, मेहनत का फल प्राप्त होगा। सबसे महत्वपूर्ण लाभ उन जातकों को मिलेगा जो पहले से ही कार्य या नौकरी से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस समय जबरदस्त तरक्की हासिल होगी तो विरोधियों भी आपके सामने कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे, यानी कि उनकी गतिविधियां घटेगी तो वह चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, जिसका लाभ आपको व्यापार एवं नौकरी में अवश्य होगा। जी हाँ, जो जातक कार्य या फिर व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए प्रयत्नशील है, उन्हें निश्चित तौर पर जिम्मेदारी संभालने का अवसर मिलेगा और उन्हें न केवल संभालेंगे किंतु अतिरिक्त प्रयास से सफलता भी अर्जित करेंगे और धन और खुशखबरी भी मिलेगी। दोस्तों, सो बात की एक बात है, यदि इस अवधि में आप एकाग्रता से कार्य करेंगे तो यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जहां आपके लाभ भाव में बुध का गोचर, एक ओर आपको धन से जुड़े हुए, वेतन से जुड़े हुए एवं प्रेम परिवार से जुड़ी हुई खुशखबरी प्रदान करेगा, तो दूसरी ओर जिन जातकों की वर्तमान जॉब छूटने की नौबत आ गई है या फिर जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर नौकरी बदलने का विचार कर चुके हैं, उन्हें इस समय किसी अच्छे जगह कार्य करने का अवसर मिलेगा। जी हाँ, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। सबसे बड़ा लाभ उन जातकों को मिलेगा जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त आर्थिक लाभ के जबरदस्त योग बन रहे हैं। यदि आपका किसी जगह पर धन रुका हुआ था तो वह रुका हुआ पैसा मिलेगा। आपने कहीं पर निवेश कर रखा था तो उस निवेश का भी आपको भी लाभ मिलेगा। विशेष करके तुला राशि के जातक जो स्टाइलिश चीजों, फर्नीचर, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक, आर्टिफिशियल आइटम, होम डेकोर, रियल एस्टेट, ई कॉमर्स एवं बिजनेस प्रोडक्ट से जुड़े हुए है, वह डबल मुनाफा प्राप्ति के लिए तैयार हो जाइए। ग्रहों की स्थिति इस समय आपके कार्यों को न केवल लाभान्वित करेगी किंतु बहुत तेजी से आगे भी बढ़ाएगी। लाभ सूर्य कर्म भवन में स्थित होने के कारण है, इस समय कार्य से जुड़ा हुआ कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ सकता है, यहाँ तक किसी तरह की बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जी हाँ, चाहे वह फिल्म उद्योग से जुड़े हुए जातक हो, संगीत, सिनेमा या फिर किसी कार्य के लिए अप्लाई किया हुआ है, उन्हें इस समय न केवल सरकारी अधिकारी, उच्च पद में स्थित होने वाले व्यक्ति एवं साहूकार पक्ष से लाभ प्राप्त होगा, किंतु अब वह कार्य अपने हाथ में लेने में भी कामयाब रहेंगे। यहाँ तक वह प्रोजेक्ट या फिर कार्य को अब हर तरह की चुनौतियों से लड़ते हुए सफल होकर मुकाम तक पहुँच पाएंगे और उसका ही नतीजा होगा कि आने वाले समय में भी धन को लेकर किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली। जी हाँ, 9 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच धन का आगमन होगा।
तो कुछ पुराने धन के स्रोत से लाभ मिलेगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में कई ऐसे महायोग है जो जातक को सफलता की ऊंचाई पर पहुंचाते हैं, तो कुंडली में कई ऐसे दुर्योग भी होते हैं जो जातक की मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाए। यदि आपने शेयर बाजार में निवेश कर रखा है तो वहाँ से लाभ प्राप्त होगा, तो वही उन महिलाओं की उन जातकों को लाभ प्राप्त होगा जो काफी दिनों से स्वतंत्र होने की चाहत रखते हैं, संयम न बंधे रहने की इच्छा करते हैं। जहां एक ओर आप अपने पेशे और व्यवसाय में भी पूर्ण संतुष्टि का भाव महसूस कर सकेंगे, तो वही सामाजिक और आर्थिक लाभ के चलते मन प्रसन्न रहेगा। जी हां, बुध इस समय व्यवसायी जातकों को सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा, तो जो नौकरी प्राप्ति के लिए अभी भी प्रयत्नशील है उन्हें नौकरी मिलेगी, कार्य करने का अवसर मिलेगा। तो वही विद्यार्थियों को भी कलाकारी, फैशन डिजाइनिंग एवं मेडिकल उच्च डिग्री वाले संस्थाओं में एडमिशन मिल जाएगा। बुध के गोचर का सबसे बड़ा लाभ प्रेम प्राप्ति एवं पारिवारिक सुख के रूप में मिलने जा रहा है। जी हाँ, यदि पिछले समय में पति पत्नी के बीच में तनाव की स्थिति चल रही थी तो अब दूर होगी। प्रियतम से मुलाकात का अवसर मिलेगा, तो वही आप प्रियतम को प्राप्त करने के लिए दूर शहर यहाँ तक राज्य भी जा सकते हैं। पुराना दोस्त प्रेम आपकी जिंदगी में पुनः लौट के आ सकता है, तो इस समय जो सिंगल है उनके लिए भी नए रिश्ते बनेंगे और आप में से कुछ जातक अपने प्रेम के रिश्ते को शादी में भी तब्दील कर सकेंगे। हालांकि इस समय कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, कुछ रुकावटें होगी, किंतु आप अपने काबिलियत के दम पर वह सारी मुश्किलों को खत्म कर सकेंगे। जय गुरुदत्त।